राजधानी रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फंसे लोगों की मदद के लिए पहल कर परित्राणाएं साधुनाम इस वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं। आपको बताने कि दुर्ग जिले की निवासी जे मुकेश ने पुलिस को आवेदन दिया कि उनकी पत्नी जोगी दीपिका को घरेलू काम दिलाने के बहाने अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने ओमान देश की राजधानी मस्कट में हाफिजा के घर गत वर्ष मई 2023 में भेजा गया था, जहां जोगी दीपिका को बंधक बनाकर रखा गया था और दीपिका का पासपोर्ट वीजा संबंधित सारे दस्तावेज रखकर उसे भारत वापस भेजने रकम की भी मांग की जा रही थी। ये विषय जैसे ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के संज्ञान में आया तो उन्होंने स्वतः पहले पहल करते हुए पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मस्कट में बंधक बनाई गई जोगी दीपिका के मामले में ओमान स्थित इंडियन एम्बेसी से लगातार संपर्क किया, जिसके चलते दीपिका को सुरक्षित एम्बेसी लाया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बंधक महिला जोगी दीपिका से कहा कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया उस मामले की तह पर जाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जोगी दीपिका, ठीक है दीदी, अभी सुरक्षित हैं आप वहाँ पर? ठीक है, ठीक है। आपके आपको कौन लेकर के वहाँ गया था और क्या आपके साथ हुआ है? आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो मुझसे जरूर मिलकर बताना आप, है ना? ये नंबर है, इस नंबर को आप रखे रहिए और आकर के आप यहाँ मुझे जरूर बताइए क्या विषय हुआ था, किसी ने आपको अगर धोखा दिया तो हम लोग फिर उसको देखेंगे और आपके आने की व्यवस्था जल्दी करते हैं। ठीक है, यदि कोई बात हो तो बताना आप, है ना? ठीक है भाई, धन्यवाद आपका। आप कहाँ, वही ओमान में हैं अभी? ओमान में, ठीक, मस्कट में है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, दीदी का ध्यान रखेंगे ना? सर, मेरा नाम दीपिका है, मैं भिलाई शहर से हूँ और मैं ना यहाँ ओमान देश में आकर के फंस गई हूँ सर। मेरे को कोई झूठ बोल के यहाँ पे ला के फंसाया है। मैं चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल पा रही हूँ, पूरा बंद कर दिए हैं। मेरे को इन लोग मारे पीटे और फिर मैं बोली कि मुझे घर जाने दो, तो बोलते हैं इन लोग कि तुम मुझे 2 से 3 लाख रुपए दो, उसके बाद तुम जाना यहाँ से, वरना तुमको हम लोग जाने नहीं देंगे यहाँ से, वरना दूसरे जगह बेचेंगे और तुमसे पैसा वसूल लेंगे। सर मैं क्या करूँ, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे दूसरे जगह नहीं बिकना है सर, मुझे बचा लीजिए, बहुत तकलीफ में हूँ सर, बहुत टॉर्चर करते हैं लोग, बहुत गाली गलौज भी करते हैं सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर।